लक्ष्य निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़े जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसके नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीप दान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवा अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखें। वो संयम धारण कर। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक महात्म में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हमारी जिंदगी में उतार ले, कोई एक नियम हमारे जीवन में उतार ले, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने एक महीना तक दीप दान करा मारा, तो ये भी आपका एक नियम है। एक महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका है। महाराज, एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के महात्म से लीजिएगा, जीवन में उतारना। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना, संयम। किस समय पर किस चीज का संयम हो,